हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने खींची लक्ष्मण रेखा, कहा यहाँ खूब बोलिए पर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए। आप यहाँ खुलकर बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। एक ही संदेश जाना चाहिए कि ये संगठन एक है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने अनुशासन की लक्ष्मण रेखा खींचते हुए पार्टी के नेताओं से कर्ज उतारने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और अब उसका कर्ज लौटाने की बारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें ये करना होगा कि जब यहाँ से निकले तो नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता और प्रेरणा के साथ निकले। उन्होंने कहा कि देश की जनता को एक बार फिर से कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं और हमें उनको पूरा कर दिखाना होगा। सोनिया गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज मुस्लिमों पर देश में अत्याचार बढ़ रहा है, वो भी बराबर के शहरी है और उन्हें भी समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग आज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, खास तौर पर दलितों को सजा दी जा रही है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और नोटबंदी के बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। उन्होंने कहा लोग अब मान चुके हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलने वाली है। निजीकरण की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के कल्याण और विकास में योगदान के लिए बनी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं और यूपी सरकार की स्कीमों से ही उन्हें बचाया जा सकता है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो खास तौर पर दो स्कीमों का नाम लेना चाहेंगी, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में कहा कि आज देश अलग हालातों में है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हथियारों का महिमा मंडन किया जा रहा है, जिससे कि संवैधानिक संस्थाओं के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सोनिया गांधी से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये बवाल करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले होते हैं वही दंगे होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं करते। गहलोत ने कहा कि ये लोग गुजरात मॉडल जैसी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। उदयपुर से जागरूक टीवी के लिए खास रिपोर्ट।